बहन साथियों, ये देखिए, ये गहत हैं और गहत को मैंने रात भर भिगो लिया है और ये अच्छे से भीग चुके हैं। इनकी मैं दो रेसिपी बनाऊंगी, एक तो बनेंगी इसकी बढ़िया और दूसरी बनेंगी इसका मैं फाड़ू बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फाड़ू बना लेती हूँ, बड़ियों के लिए अलग से रख लेती हूँ। तो ये मैंने फाड़ू पीसने के लिए मिक्सी जार में डाल लिया है, आप चाहे तो सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के पीसेंगे दरदरा। तो बाकी के गहत मैंने बचा लिए हैं बड़ियों के लिए और ये मैंने पीस ली। पानी का यूज़ हम करेंगे फाड़ू बनाने में। तो साथ ही फाड़ू के लिए मैंने गहत पीस के रखे हुए हैं और इसको जो है अब हम बनाएंगे फाड़ू। तो ये देखिए साथियों, लोहे की कढ़ाई में हमें बनाना है। टिप मैं आपको बता रही हूँ फाड़ू बनाने की, लोहे की कढ़ाई में ही टेस्टी लगेगा ये। दूसरा, जो तेल है सरसों का तेल यूज़ करना है और तेल इस रेसिपी में बहुत कम यूज़ करना है, 1 से 1.5 चम्मच। और इस रेसिपी में नहीं बल्कि पूरी पहाड़ी रेसिपीज़ में तेल बहुत कम लगता है और सरसों का ही लगता है। तो हम इसमें तड़का डालेंगे जख्या, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं। अब जो ये हमने पीस के रखा है चाहे इसको डाल लेते हैं और अब हम इसको भुनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे, भूनते जाएंगे इसे। देखिए इसको भूनते भूनते इसका पानी जो है कम हो गया और ये इस तरह से डो फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी भी हमें इसको भूनना है और ये देखना है कि कढ़ाई में नीचे ना लगे, तो इसको हमें भूनते जाना है। देखिए जो डो था वो भूनते भूनते इस तरह से हो गया है, अब ये एकदम टूटने लगा है। अब इसको बस हम केवल 1 मिनट और भूनेंगे, हमें बस इसको इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। ये जो पानी जिसमें गहत भिगोए थे इसमें डालेंगे, एकदम से पूरा नहीं डालना है वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो इसको इस तरह से घोट लेंगे और अब हम इसमें बाकी का पानी डालेंगे। साथियों, अगर इस चैनल पे आपको सब्सक्राइब वाला बटन ब्लैक दिख रहा है तो उसको दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है वो भी दबा लीजिए। साथ साथ में इसमें हम मसाले डाल लेते हैं, नमक डालेंगे, जितना हम खाते हैं नमक उससे थोड़ा सा हमें कम डालना है, इसमें ज़्यादा नमक अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा किचन किंग मसाला, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, लाल मिर्च और हल्दी तो हमें इसमें बहुत ही कम डालनी है, बहुत कम, वरना इसका जो है रंग, जो ओरिजिनल रंग है, जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता है, उस तरह से नहीं बनेगा। और जो गहत वाला फाड़ू है इसमें गला, जब हम खाते हैं गला अटकता है, तो इसके लिए क्या है टिप है, ये अरबी है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसमें इन टुकड़ों को हम इसको कद्दूकस करके इसमें डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए, ये टुकड़े मैंने छील लिए, अब इनको जो है कद्दूकस कर लेंगे। तो ये मैंने कद्दूकस कर लिया, अब इसको डाल लेते हैं। पांच से सात मिनट इसको लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के पका लेंगे। अभी देखिए ये फाड़ो बिल्कुल बन चुका है, बहुत ही टेस्टी। आप चाहें तो इसमें अरबी के जो मैंने छोटे छोटे पीसेस कद्दूकस केक करके डाले थे उसकी जगह आप जो है इसमें प्याज के हरे पत्ते भी डालेंगे, 5-6 पत्ते डालने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन मुझे सिंपल ही पसंद है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और प्याज के पत्ते डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन साथ ही ध्यान रखना है इसे ऊपर से बिल्कुल नहीं छोंकना है वरना इसका जो ऑथेंटिक जो टेस्ट है वो बदल जाएगा। तो बस ये बन चुका है, आपको जितना गाढ़ा इसको चाहिए उतना बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।